दोस्तों आज हमारे पास सुजुकी स्विफ्ट का मीटर आया है जिसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई लाइट भी नहीं आ रही है और किसी तरह से कोई लाइट रोशनी इंडिकेशन रीडिंग कुछ कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ। तो ये आज मीटर आया है मेरे पास, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसकी 12 वोल्ट में प्रॉब्लम है, 5 वोल्ट में प्रॉब्लम है, सीपीयू में प्रॉब्लम है, या कैन आईसी में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, ये खोलने के बाद पता चलता है। आइए इसको हम भी खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमने आज इसे खोल लिया है, बाहर निकाल लिया है। और सबसे पहले इसे सफाई कर लें क्योंकि जहाँ तहाँ डस्ट वगैरह भी लगी हुई है। इसमें एक कंपोनेंट जो है वो काला पड़ गया है। ये काला पड़ गया है, ब्लैक हो गया है, हो सकता है ये शॉर्ट हो, पॉसिबल है कि शॉर्ट भी हो सकता है ये। और शॉर्टिंग के लिए मल्टीमीटर को पहले हम ठीक है शॉर्ट दिखा रहा है ये, इसे चेंज करना पड़ेगा। ये जो कैपेसिटर है वो 12 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। 12 वोल्ट का ये जो है ये पॉजिटिव साइड है, ये ग्राउंड साइड है। ये शॉर्ट हो गया है इसलिए इसने सप्लाई को यहीं रोक दिया है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। शॉर्टिंग है और ये 12 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले हम हटाते हैं। कैपेसिटर को हटाने के बाद शॉर्टिंग हट जाएगी, लाइन क्लियर हो जाएगी और बोर्ड में सप्लाई फैल जाएगी। तो इस कैपेसिटर को हम हटाते हैं। ठीक है, किधर गिर गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर है जो शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया है ये। अब इसकी लाइन देख लेते हैं यहाँ पर जी। अब शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग अब नहीं आ रही है, ये शॉर्टिंग लेंथ से ख़त्म हो गई है। चलो शुरू में ही फॉल्ट मिल गया। इसमें अक्सर ये सप्लाई शॉर्टिंग आ ही जाती है 12 वोल्ट की। इसे सप्लाई देके देखते हैं अब, और सप्लाई देने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। सप्लाई के लिए हमें सबसे पहले कैन बॉक्स से कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, और कनेक्शन पर हम इसकी ये कनेक्शन की पिन है जिसके लिए यहाँ पर 3 सप्लाई दे देते हैं। एक तो ग्राउंड देते हैं, ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं, इस तरह से लगेगा ये निशान का है।
और ये ग्राउंड हमने दे दिया। ओके, इसके बाद एक ऐसे हम दे देते हैं इग्निशन की सप्लाई, यानी कि ऑन ऑफ वाली इग्निशन दे देते हैं टू नंबर, और एक इसको ख़ुद के लिए 12 वोल्ट चाहिए हो गई, 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट टू ग्राउंड, 12 वोल्ट हम इसे यहाँ से दे देते हैं। ओके, अभी तक ये स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था। अब देखते हैं क्या सूरत हाल इसकी, कहाँ तक बात पहुँची, सिर्फ 12 वोल्ट शॉर्ट है कि आगे भी कहीं शॉर्टिंग थी इसमें, ये सब देखते हैं। इसका हम कैन बॉक्स से सप्लाई दी हमने, ठीक है सप्लाई आ गई है और ऑन किया। ओ राइट, इसमें एलईडी भी जल गई है, एलईडी आ गई हैं तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, कैपेसिटर ही शॉर्ट था ये वाला। तो अब तो चलो आगे बताते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स काम के हैं और किसका क्या वर्क है क्या वर्क नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम 12 वोल्ट चेक कर लें, 12 वोल्ट चेक किया हमने ये और ठीक है 12 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट सप्लाई इसमें होती है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के लिए हमको इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट, राइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट की आईसी है, ये कहलाएगी 4275 और ये आईसी जो है वो स्विफ्ट स्विफ्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ईसीएम में भी लगी होती है ये वाली आईसी, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आईसी सेम ये लगी है, ठीक है ये वाली। तो इस आईसी का जो वर्क है वो 5 वोल्ट आउट करना है, जो काम यहाँ पर है वही काम लगभग यहाँ पर, दोनों का सेम काम है ये। अगर आईसी ना मिले, ये अक्सर ख़राब ये भी होती है, तो ये स्विफ्ट वगैरह के बोर्ड से निकाल सकते हैं, या स्विफ्ट के बोर्ड में ज़रूरत पड़े तो इस से निकाल सकते हैं यहाँ से भी हम। इसका काम है 5 वोल्ट आउट करना, इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं। स्विफ्ट डीजल, तो ये आईसी रही इसकी, ये दो तरह की आती है, इसका नंबर होता है TLE4276 और 4276, ये लगभग दोनों एक जैसी आईसी हैं और एक दोनों जगह पर ये काम में आ जाती हैं, ठीक है। इसकी जो पिन की डिटेल ये है कि इसकी पिन वन इनपुट होती है, इनपुट यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई भी हो सकती है, 12 वोल्ट हो सकती है, और पिन नंबर टू जो है लो एक्टिव है, यहाँ कुछ कम सप्लाई आएगी, 4 वोल्ट 3 वोल्ट के आसपास आएगी। पिन नंबर थ्री जो है वो ग्राउंड के लिए यूज़ की गई है और पिन नंबर 4 नॉट कनेक्टेड है, और कहीं कहीं पर स्विफ्ट में तो ये सप्लाई भी बनाई गई है ईसीएम में, पिन नंबर 4 से सप्लाई भी 2.3 वोल्ट बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर या किसी जगह से नॉट कनेक्टेड भी रखते हैं, यानी कि कोई काम की नहीं होती है ये। तो पिन नंबर 5 जो होती है इसकी आउटपुट, वो आउटपुट है जहाँ से 5 वोल्ट आउट होते हैं, बस इसमें यही है। दोबारा हम फिर इस आईसी पर आते हैं और देखते हैं इसकी, तो पिन नंबर 1 इसकी इनपुट पिन है, ये ग्राउंड रखा है हमने, और पिन नंबर 1 यहाँ पर ये 12 वोल्ट वाले बना गए, ये कुछ लो होती है कम होते हैं, लगभग ये 5 वोल्ट आ गए हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है, एक तरीके से इनेबल है, ये इनेबल करने के लिए है इसको, ताकि ये इनेबल हो और आउटपुट करे। पिन नंबर 3 जो है वो ग्राउंड आ जाती है
और पिन नंबर 4 कहीं कहीं नॉट कनेक्टेड है और कहीं कहीं सप्लाई भी दे दी जाती है। यहाँ पर एक लो सप्लाई आउट कर रही है 2 वोल्ट, लेकिन मेन है इसकी ये आउटपुट 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट बहुत अहम है कैपेसिटर। अब सवाल आता है इस 5 वोल्ट सप्लाई का इस मीटर में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। 12 वोल्ट के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई है मीटर में। ज़्यादातर यही दो सप्लाइयाँ होती हैं, एक तो 12 वोल्ट होती है जो बैटरी से आती है, ठीक है, और इग्निशन से आती है चाबी ऑन करने के बाद। तीसरी 5 वोल्ट होती है। 5 वोल्ट सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई है यहाँ पर। 5 वोल्ट अक्सर ख़राब हो जाती है। इसमें क्या है, ये सप्लाई अगर हम देखें तो ये पहले हम ये ग्राउंड पर रख लेते हैं, राइट, और ये हम देखें 5 वोल्ट है। अब ये कहाँ कहाँ जाती है 5 वोल्ट? 5 वोल्ट जाएगी आपका ये सीपीयू है, सीपीयू को 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपकी, जिसमें रीडिंग का रीडिंग होती है, जो रोम है, बायोस है, बायोस चिप कह सकते हैं, रोम कह सकते हैं, ये भी रोम कह सकते हैं, इसको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसे नहीं मिलेगी तो ये अपना डाटा शो नहीं करेगी, रीडिंग शो नहीं करेगी, गाड़ी कितनी चल चुकी है, कैसी क्या है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर मीटर का किसी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ECM के साथ में, तब हम इस ICU को देखेंगे। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और कम्युनिकेशन के लिए भी 5 वोल्ट, तो इसे ये 5 वोल्ट कैपेसिटर ये है, 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है इसको। ये तो इस तरह देखा जाए तो 5 वोल्ट रोम में भी चाहिए, 5 वोल्ट कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए, 5 वोल्ट CPU के लिए भी चाहिए, और ये आउटपुट है। तो 5 वोल्ट बहुत अहम IC हो गई। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि रोम, रोम के बारे में जैसे आप सब लोग जानते ही कि इसमें अक्सर लोग बैक रीडिंग वगैरह करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए, धोखा देना है किसी को भी, ये नहीं करना चाहिए। इसको भी सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ ये जो IC इस्तेमाल की गई, ये CAN IC है। CAN IC जिस तरह से हमारे ECM में यूज़ होती है, हमारे ECM में जिस तरह से ये यूज़ की गई है CAN IC, इसी तरीके से मीटर में भी CAN IC यूज़ की गई है। सेल्फ कैन बस को जनरेट करता है ये IC, सेल्फ बस कैन लो और कैन हाई को जनरेट करता है। अगर कम्युनिकेशन में मीटर के साथ प्रॉब्लम है तो इस IC को देखना होगा कि ये कैन बना रही है या नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कैन बन रहा है या नहीं बन रहा है। वैसे तो कैन के लिए अक्सर लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, बोल्ट 2.2 बोल्ट 1.7 और 3. समथिंग समथिंग, वो देखते हैं क्या हाल है उनका, और फिर हम CRO से भी चेक करेंगे DSS से। ठीक है, ये लो हो गई और ये हाई है, लो और हाई, और ये अक्सर इस कॉइल से जाके मिल जाती है, बराबर में से कॉइल लगी होती है, पहचान होती है, कॉइल जो है हमेशा कैन के बराबर में मिलेगी। कैन लो और कैन हाई हो गई। इसी चीज़ को हम अब ठीक बन रही है नहीं बन रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसको हम जो कंफर्म करते हैं वो DSO से करते हैं, CRO से करते हैं। अब CRO से हम देखते हैं कैन मिल रहा है नहीं बन रहा है, बस इसका क्या हाल है। तो CRO पे हम गए और यहाँ पर हमने देखा, सॉरी यहीं देख लेते हैं कि कैन यहीं पर आती, ठीक है, ये हमारी जो हो गई वो हाई है, लो है, ये हाई है, ये हाई है, ठीक है, बन नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बैक में भी देख लेता हूँ इसमें RX TX क्या हाल है। RX हो गया और TX हो गया, ये भी ठीक है, ओके। इसको मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से बनता है, एक बार फिर देख लें आप। देखें जी, ये
जो है वो कैन लो है, कैन लो, और ये कैन हाई हो गया। इसको बनाने के लिए दो सिग्नल जो हैं वो सीपीयू से आएंगे, जो कहलाते हैं आरएक्स और टीएक्स। तो अगर सीपीयू ये सिग्नल नहीं देगा, ये वाला और दूसरा ये टीएक्स वाला, तब हमारा कैन ये लो और कैन हाई हमें किसी कीमत पर रिसीव नहीं होगा। ठीक है, हमारा ये सीपीयू रहा। ठीक है, ये सीपीयू है, ये सीपीयू रहा जो कैन आईसी को सिग्नल दे रहा है आरएक्स टीएक्स। जो ख़ास पॉइंट हमारे हो गए, जो वो एक तो पॉइंट ही हो गया कि ये 5 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए बायोस पर, यानी ईपी रोम पर 5 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए, सीपीयू पर 5 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए, सीपीयू पर 5 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए, बायोस पर सप्लाई होना चाहिए और कैन पर होना चाहिए। ये चाहिए चाहिए हमें। अब ये नहीं होगी तब हम इसको देखेंगे 4275G को, ये ख़राब हो जाता है। अगर यहाँ तक 5 वोल्ट ये नहीं बन रहे हैं इस कैपेसिटर पर, तो इसको देखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर 12 वोल्ट आएँ, इसके लिए ज़रूरी कि 12 वोल्ट आएँ। जब तक 12 वोल्ट नहीं आएंगे तो 5 वोल्ट आउट नहीं बनेंगे। 12 वोल्ट इनपुट होगा तभी बनेगा। यहाँ पर एक सिग्नल आता है, लॉजिक सिग्नल, जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कराने में, कम कराने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, ये सीपीयू हो गया। सीपीयू का काम यहाँ पर कई काम है इसके, यहाँ पर तो बहुत ढेर सारे काम है इसके। मेन है, इसके अंदर मेमोरी भी है, कैश मेमोरी भी है, सबसे कम्युनिकेशन भी कर रहा है। तो इस तरह आज का टॉपिक ये रहा, और इसे अब हम पैक कर लेते हैं। पैक करने के लिए थोड़ा सा लॉक वगैरह का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, और ये लॉक आ गए, लॉक आ गए जी, और ये इस तरीके से लॉक आ गए, लॉक बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जो ये लॉक सही से लगाने चाहिए, ताकि जो डिस्प्ले है वो सही से अटैच हो सके, टच हो सके। ठीक है, ये आ गए। अच्छा, लगाने से पहले मैं एक बार ये देख लेना चाहिए हमारा डिस्प्ले पे कुछ आ भी रहा है, अब नहीं आ रहा है। तो पूरा पैक कर दें, और डिस्प्ले सही से कनेक्ट नहीं हुआ है तो एक बार इसे हम जो है फिर दोबारा सप्लाई देते हैं। इस तरीके से ये सप्लाई आ गई हमारी। अब आने के बाद इसे हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ऑन कर दिया, मीटर पर आप देख रहे हैं कि ये आ गया। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि डिस्प्ले हमारा ओके है, और डिस्प्ले हमारा आ गया है, दिखा रहा है 80155 इसने चला हुआ है ये। ठीक, तो अब इसके बाद हम दोबारा पैकिंग शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इसको लगाते हैं इस तरीके से, ये और लगाने के बाद ये हम ऐसे घुमा देंगे, ये लॉक फंस जाता है इसके अंदर, राइट। अब ये हो गया जी हमारा। अब इसकी कुछ निडल है, एक निडल ये हो गई जी,
नेटवर्क हमारे ये रहे। तो अब ये पैक करना तो आसान है, खैर जो अहम काम था वो सब आज दिखा दिया आपको, तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अगली मुलाकात किसी बेहतरीन वीडियो में होगी इंशाल्लाह ताला। बराह करम इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच।